Hey guys, welcome back to my channel. So friends, यार जो आज की जो वीडियो है ना यार, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं लैपटॉप्स के बारे में। यार इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी लैपटॉप्स के ऊपर, यार मैंने गेमिंग लैपटॉप्स के ऊपर ही बनाई थी। और यहाँ पे 30,000 से 40,000 के अंदर जितने भी लैपटॉप आते हैं, जितने बेस्ट लैपटॉप है, वो भी मैंने यहाँ पे आपको बताए थे। तो भाई जो आज की वीडियो है ना, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा गेमिंग लैपटॉप्स के बारे में भी, और यहाँ पे जो नॉर्मल लैपटॉप्स होते हैं डेली टास्क के लिए, उसके लिए भी मैं बताऊंगा आपको कौन से लेने चाहिए कौन से नहीं लेने चाहिए। और भाई दो लैपटॉप जो मेरे पास है ना, जो बेस्ट लैपटॉप है यार, मैं जिस प्राइस में लिया हुई ना, अंडर 30,000 और अंडर 40,000, भाई मेरे को इसमें एनवीडिया का प्रोसेसर भी मिल जाता है और एक में इंटेल का i3 प्रोसेसर भी देखने को मिलता है, जो कि 7th जनरेशन का है। तो यार वीडियो अंदर देखिएगा, कहीं भी स्किप करते हुए मत जाइएगा। दोस्तों यहाँ पे जो सबसे पहला लैपटॉप निकल के आता है ना यार, मैं गेमिंग लैपटॉप की बात करने वाला हूँ। जो सबसे पहला लैपटॉप है यार 50,000 की रेंज के अंदर आता है आसूस वालों की तरफ से, जो कि है आसूस का F570। तो यार इसके अंदर यहाँ पे आपको AMD का क्वाड कोर R5 2500 यहाँ पे आपको प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, जो कि इंटेल के i5 को बीट करता है। अब यहाँ पे आपको 4GB की रैम देखने के लिए मिलती है, 1TB की हार्ड डिस्क देखने को मिलती है, और ये जो लैपटॉप है ना, यहाँ पे आपको विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ देखने के लिए मिलेगा। इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलती है, और जो इसमें आपका ग्राफिक्स कार्ड लगा है ना, वो यार एनवीडिया वालों का लगाया। मैं पहली बार देख रहा हूँ यहाँ पे AMD ने अपना खुद का रेडियन यहाँ पे नहीं लगाया, यहाँ पे एनवीडिया को सपोर्ट दिया। तो यार यहाँ पे एनवीडिया को जो ग्राफिक कार्ड लगाया है ना, वो नॉर्मल ग्राफिक कार्ड नहीं है 920, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है 1050 एनवीडिया का GTX 1050। यहाँ पे आपको ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है यार, जो कि यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है। मतलब यहाँ पे आपको 75,000 या 70,000 के अंदर ये ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है, और इस प्राइस रेंज के अंदर ये आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आप पबजी जैसे गेम 60 FPS तक इसके अंदर खेल सकते हैं, और अगर आप मतलब आप इसमें आप एपेक्स लेजेंड भी खेल सकते हैं अच्छे लेवल पे, पर पबजी तो आप यहाँ पे अच्छे लेवल पे खेल ही सकते हैं 60 FPS के ऊपर। और इसकी जो प्राइस है, इसकी मैंने आपको बताया 50,990 रुपये रखी गई है, और ये आपको अमेजन के ऊपर मिल जाएगा। जो गाइस सेकंड लैपटॉप है ना यार, वो आता है लिनोवो वालों की तरफ से, जो है IdeaPad 300। इसके अंदर आपको इंटेल का i3 प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, जो कि आपका 7th जनरेशन का है। 4GB की आपको रैम देखने को मिलती है, 1TB की हार्ड डिस्क देखने को मिलती है, और यहाँ पे 16GB की यहाँ पे आपको ऑप्टेन मेमोरी देखने के लिए मिलती है। अब यार ये ऑप्टेन मेमोरी होती क्या है, थोड़ा सा इसको मैं आपको समझा देता हूँ। यार ऑप्टेन मेमोरी वो मेमोरी होती है जो आपको जो आपका बूटिंग टाइम होता है ना, उसको गिरा देती है। मतलब अगर आपका लैपटॉप 20 सेकंड लेता है, और 10 सेकंड में यहाँ पे आपका लैपटॉप बूट हो जाएगा, और जो ऐप को जितनी जल्दी ओपन करके देगी, मतलब जो आपकी रैम है ना, वो तो आपका स्पेस देखती है, और जो ऑप्टेन मेमोरी है वो क्या करेगी, आपकी जो ऐप है ना, उसका रिलोडिंग टाइम, उसका लोडिंग टाइम यार बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी। तो ऑप्टेन मेमोरी इसलिए काम आती है यार आपके लैपटॉप्स के ऊपर। 16GB की यहाँ पे आपको ऑप्टेन मेमोरी देखने के लिए मिलती है, और यहाँ पे आपको इस लैपटॉप के अंदर विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम प्रीइंस्टॉल्ड मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको 2GB का ग्राफिक कार्ड भी देखने के लिए मिलता है, जो कि रेडियन का मिलता है AMD की तरफ से। तो भाई इस लैपटॉप की जो प्राइस है ना, 35,990 रुपीज रखी गई है। अब मैं यहाँ पे जो दूसरा लैपटॉप की बात करने वाला हूँ, वो है यार आसूस का A541U, जो कि दोस्तों ये है वो लैपटॉप आसूस का A541U। इसके अंदर यार आपको इंटेल का i3 प्रोसेसर देखने में मिलता है विद यहाँ पे 7th जनरेशन, और यार यहाँ पे आपको 4GB की रैम देखने के लिए मिलती है, 1TB की हार्ड डिस्क देखने के लिए मिलती है, और यहाँ पे आपको एनवीडिया का GeForce 920MX 2GB का ग्राफिक कार्ड देखने के लिए मिलता है। तो गाइस ये है ये लैपटॉप, और इसके अंदर यहाँ पे आपको प्री इंस्टॉल्ड यहाँ पे विंडोज 10 देखने के लिए मिलती है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पे इसकी खास बात मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, इसका वेट जो है ना, इतना लाइट वेट है इसका, इस लैपटॉप का कंपेयर करूँ मैं और लैपटॉप से, यार इसका जो वेट है ना बहुत ज़्यादा लाइट है इसके साथ से। मतलब इसको मैं कहीं भी कैरी कर सकता हूँ, और एक हाथ से इसको यार कोई भी बच्चा उठा सकता है। तो भाई जो इसका प्राइस है ना, यहाँ पे मेरे को पड़ा था 34,990 रुपीज़ में। अगर आप इसको EMI में लेना चाहते हैं तो 35 या 36 तक पहुँच जाएगा, पर ये जो मुझे मिला 34,000 रुपीज़ के अंदर, यहाँ पे आपको अमेजन के ऊपर भी मिल जाएगा, पर यहाँ पे आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा लैपटॉप अमेज़न के ऊपर। तो भाई ये जो लैपटॉप है बेस्ट लैपटॉप है इस प्राइस रेंज के अंदर। अब जो गाइस दूसरा लैपटॉप निकल के आता है ना यार, वो भी IdeaPad की तरफ से निकल के आता है Lenovo वालों की तरफ से, जो Lenovo का IdeaPad 330, जिसके अंदर यार आपको इंटेल का i5 प्रोसेसर देखने को मिलता है 7th जनरेशन का, जो आपने पहले देखा था सेकंड नंबर में, जिसमें आपको i3 देखने को मिलता था, पर इसमें i5 देखने को मिलता है। पर यहां पे आपको 4GB की रैम देखने को मिलती है, और यहां पे आपको 1TB की हार्ड डिस्क देखने को मिलती है, और
आपको यहाँ पे यार डॉस का ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। सबसे अच्छी बात तो मैं कहूँ, अगर आप लैपटॉप लेना चाहते हैं ना, तो यार पहले डॉस में ही लीजिए और फिर विंडो का इनसाइडर प्रोग्राम उसमें चला लीजिए, जिससे कि आप ओरिजिनल विंडो भी चला पाएंगे फ्री में और यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे विंडो के लिए। तो भाई यहाँ पे जो आपको लिनोवो का आइडिया पैड देखने को मिलता है ना, इसकी जो प्राइस निकल के आती है वो है 39,990 रुपीज। तो गाइस अमेज़न के ऊपर ये लैपटॉप आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो गाइस अब जो सबसे लास्ट लैपटॉप मैं आपको बताने जा रहा हूँ यार, इसकी प्राइस 30,000 रुपीज है। भाई इस लैपटॉप की मतलब इसका मुकाबला मैं यहाँ पे कुछ नहीं कह सकता, मतलब ये इस प्राइस के ना बहुत ही अच्छा लैपटॉप है। तो गाइस जो पांचवा लैपटॉप निकल के आता है डेल वालों की तरफ से, वो है इंस्पिरॉन 15 5000 सीरीज का। तो गाइस ये है वो लैपटॉप, अगर आपको दिख रहा है तो भाई ये है वो लैपटॉप। तो यार इसके अंदर यहाँ पे आपको इंटेल का i3 प्रोसेसर देखने को मिलता है 6th जनरेशन के साथ, और यहाँ पे आपको 4GB की रैम और 1TB की हार्ड डिस्क देखने को मिलती है, और यार आपको फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलती है, और यार यहाँ पे आप छोटे मोटे टास्किंग कर ही सकते हैं, और यहाँ पे आपको विंडो 10 नहीं, आपको ये डॉस के साथ मिलता है। तो इसकी प्राइस और भी ज़्यादा गिर जाती है, ये आपको मिल जाएगा 29,900 रुपीज़ के अंदर, अमेजन के ऊपर आप इसको ले सकते हैं। तो भाई ये जो लैपटॉप है ना बहुत ही अच्छा लैपटॉप है अपनी प्राइस रेंज के अंदर, और यार ये जो आपको मैंने लिनोवो के बताए थे ना ऊपर IdeaPad 330, वो यार 180 डिग्री तक राउंड हो सकते हैं, मतलब आप इसको फ्लैट पूरा कर सकते हैं। तो भाई लोगों यार ये जो लैपटॉप मैं आपको दिखा रहा हूँ ना यार बहुत बेस्ट लैपटॉप है डेल वालों की तरफ से। तो भाई अगर आप चाहते हैं कोई लैपटॉप लेना, तो भाई आप ये दोनों लैपटॉप को रिकमेंड मैं आपको कर रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं ये दोनों लैपटॉप ले लीजिए, बहुत ही अच्छे लैपटॉप आपको प्राइस रेंज के अंदर मिल जाएंगे। गेमिंग लैपटॉप अगर आप लेना चाहते हैं 30,000 के अंदर या 25-35,000 के अंदर, तो भाई ये लैपटॉप बहुत बढ़िया है। इसका छोटा वर्जन भी आता है जिसमें आपको ग्राफिक कार्ड नहीं देखने के लिए मिलता है, और इसमें आपको ग्राफिक कार्ड देखने के लिए मिलेगा पर आप इसका बड़ा वर्जन ले सकते हैं। दोनों लैपटॉप बहुत ही बढ़िया है। तो गाइस बस यार यही सब था इस वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद आता है ना, वीडियो को जरूर से थम्स अप दिखा दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में इसको जरूर शेयर करिएगा। मेरे चैनल में नए आ गए हैं, नीचे देखिए रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसको दबा जी यार बहुत जोर से हिट कर दीजिए, अपने दोस्तों से भी कहिए उसको हिट करिए, जिससे कि यार मेरी नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप लोग के पास टाइम टाइम पहुंच पाएगी, और नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी है उसको भी जरा सा दबा दीजिएगा। अब मुझे बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में मैं नेक्स्ट वीडियो किस चीज के लिए लेके आऊँ। तो बस यार आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।